আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। सर प्रेयर से स्टार्ट कर लेंगे सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊजु बिललाहि मिनश शैतान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ठीक है सर। फौजिया मिस हैज जॉइंड। सर तुम्हें स्टार्ट करो मैम। ये होस्ट ये नहीं है मैम, होस्ट बना तो शायद स्क्रीन शेयर करने है। जी सर जी बोलिए मैम। हाँ स्टार्ट करो सर। तिलावत कुरान पाक, कुरान पाक के आदब। गुज़िश्ता बार कुरान के मुताबिक ही बात किए थे, तो आज कुरान के आदब क्या हैं, कुरान की कुरान किस अदब से हमें पढ़ना और कुरान की बेअदबी कैसी होती, इसके मुताबिक आज आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो पहले ये कहें कुरान मस्जिद की तिलावत की तिलावत के आदाब दो तरह के हैं, यानी कि कुरान मस्जिद पढ़ने का आदाब आपको दो तरह का है। एक आपको जाहिरी, एक आदाब जाहिरी और दूसरे आदाब बातिनी। दो तरह के आदाब की तफसील दर्ज है, मतलब आपको पहले आदाब बातिनी एक है, आदाब जाहिरी एक। आदाब बातिनी मतलब क्या, हमारे दिल में हमें सोचना, ये आदाब बातिनी। आदाब जाहिरी का तो
हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा रहना है, कैसा बैठना, कैसा ये करना, ये आपको आदाब ज़ाहिरी। तो पहले बावजू और क़िबले के रुख, क़िबला रुख होकर बैठे, अगर खुशबू लगाना लगा ले तो बेहतर है। मतलब हमें बावजूर होना कुरान मस्जिद पढ़ते समय में, और आपको क़िबले की तरफ हमारा चेहरा रहना, और अगर हमें खुशबू लगा ले तो भी बेहतर है। अगर खुशबू ना लगाए तो भी कभी नहीं, लेकिन खुशबू लगा ले बैठना बेहतर है। और दूसरा क्या है, तिलावत करते वक्त लिबास भी पाकीज़ा होना चाहिए। हमें जो कपड़े पहनते हैं, हमें जो लिबास पहनता है, हमारा ड्रेस भी क्या है, नीट से रहना है। ये हमारा सेकेंड है। उसके बाद क्या है, ऐसी जगह ना बैठे जहां आने जाने वालों को तंगी हो या उनकी पुष्ट होने का मकान हो, यानी कि उनको आको हमें ऐसी जगह नहीं बैठना जहां आको लोग आते जाते हैं तुम्हारे घर में, अब तुम्हें बैठते गए तो जिससे आको दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होना, तुम्हारे रास्ते में बैठना नहीं, दूसरा आको तुम्हें बैठते जहां कुरान खोल लेते हैं बैठते वहां आको दूसरे का पीठ आको कुरान के पीछे, कुरान पीठ के पीछे कुरान जिसना नहीं, मतलब उन दूसरे का पीठ सामने होते समय में उनके पीछे बैठकर कुरान नहीं पढ़ना, ये उनकी पुष्ट होने का अमकान ना हो, यानी कि कुरान मस्जिद आपको पीठ के पीछे नहीं रहना, क़िबले की तरफ रुख करके बैठना, आने जाने वालों को तकलीफ नहीं होना। और दूसरे उसके बाद है, कुरान मस्जिद को तकिया रिहाल या ऊंची जगह पर रखें। कुरान मस्जिद नीचे रखकर नहीं पढ़ना, तकिया रहना या रिहाल रहना या कोई और कोई ऊंची चीज, ऊंची जगह पर जहां तुम्हें बैठते उससे जरा ऊपर, नीचे रखना नहीं, तकिया रख सकते या रिहाल रख सकते या आको कुछ बॉक्स कहते भी रखो भी उसके ऊपर आको कुरान रखकर पढ़ सकते। और उसके बाद तिलावत कुरान का आगाज ताऊज़ और तस्मिया से करें। कुरान मजीद हमें पढ़ते गए तो पहले क्या करना है, ताऊज़ और तस्मिया जरूर पढ़ना, ताऊज़ तस्मिया के साथ आको तिलावत कुरान पाक शुरू करना है। और उसके बाद क्या है, जब दौरान तिलावत कोई सूरत आ जाए तो ताऊज़ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या मालूम होता, हमें अगर कुरान पढ़ते ही अभी एक पहले हम सूरह फॉर एग्जांपल हमें पारे हम पढ़ते ही बोलो पारे हम पढ़ते ही तो सूरह नबा हमें ख़त्म कर डाले, अब सूरह नाजियात पढ़ते गए तो उसके बाद सूरह नाजियात आता गया तो हमें आपको उसके बाद हमें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, ताउस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, खाली तस्मिया पढ़कर उसके बाद हमें कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो सिर्फ ताउस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तस्मिया पढ़ा जाए, सिर्फ तस्मिया पढ़ सकते हैं। जब आगाज तिलावत सूरह तौबा हो तो ताउज़ जरूरी है और तस्मिया में इख्तियार, देखो अगर हमें आपको सूरह तौबा जब हमारे हमें कुरान पढ़ते ही तो सूरह तौबा आगाज, सूरह तौबा एक सूरह है उसमें ताउज़ जरूरी पढ़ना, ताउज़ भी पढ़ने की जरूरत नहीं और तस्मिया भी पढ़ने की जरूरत नहीं, तस्मिया में इख्तियार है, इख्तियार रहे चाहे पढ़े या ना पढ़े, तस्मिया भी पढ़ सकते नहीं, यानी कि सूरह तौबा पढ़कर उसमें तस्मिया नहीं पढ़ते तो सूरह तौबा हमें शुरू से पढ़ ले सकते हैं, बरात मिन अल्लाह व रसूली करके उस सूरह शुरू से हम पढ़ सकते हैं, ताउस पढ़ने की जरूरत नहीं और तस्मिया भी पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम्हें कुरान पढ़ते ही तो सूरह तौबा आते हो, सूरह तौबा के शुरू में आपको तुम्हें कुरान में देखो हर सूरह के इसमें आपको सूरह के नाम के नीचे आपको तस्मिया लिखो रहेगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखो रहेगा, लेकिन सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह लिखो नहीं रहेगा, इसे सूरह तौबा में तस्मिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब दौरान तिलावत सूरह तौबा आ जाए तो ताउज़ और तस्मिया दोनों का पढ़ना जरूरी नहीं, अभी बोले ना दो भी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, जो चाहे हर एक सूरह में आपको हमें खाली तस्मिया पढ़ सकते हैं, ताउज़ पढ़ने की जरूरत नहीं, औज़ बिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तस्मिया पढ़कर हमें आपको कंटिन्यू कर सकते हैं कुरान पढ़ने का। अगर सूरह तौबा आ जाए तो ताउज़ भी पढ़ना नहीं और तस्मिया भी पढ़ने की हमें क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। जहां मुख्तलिफ लोग अपने अपने कामों में मशगूल हो वहां ज़ेर लब पढ़ें, ज़ेरे लब पढ़ना जरूरी है, ज़ेरे लब का मतलब क्या है, तो हमें जहाँ आपको मुख्तलिफ लोग घर में बहुत से मेहमान नहीं आको तुम्हारे घर में तुम्हारे घर वालों ही उन्होंने आको मशगूल ही काम में उनके कामों में उन्होंने मशगूल ही कहते हमें ज़ेर लब कहते हमें बहुत आहिस्ता आवाज बुलंद आवाज से नहीं पढ़ना, यानी कि हमें कम आवाज से पढ़ना, फस्त आवाज से पढ़ना। और उसके बाद क्या है, ऊंची आवाज से तिलावत करते हुए अपने कान या रुखसार पर अगर तन्हाई नसीब हो तो, फर्स्ट हमें क्या है घर में बहुत सारे लोग ही उन काम में मशगूल ही तो हमें आपको जोर से पढ़ने से उनको आपको क्या होगा डिस्टर्ब होगा, उसके ऐसा हमें जोर से नहीं पढ़ना,
हमें अगर घर में आदमियां ही ज्यादा आदमियां ही जिससे उनको तकलीफ होंगी, चाहे कौन भी आराम करते रहें घर में या आपको कोई काम में रहेंगे या किसी और से बात करते रहेंगे, तो वो दौरान उस वक्त तो हमें आपको जोर से पढ़ने से उनको क्या होगा, डिस्टर्ब होंगे, उसके वास्ते हमें आपको जोर से नहीं पढ़ना, आहिस्ता पढ़ने की कोशिश करना। अगर तन्हाई नसीब हो तो ऊंची आवाज से तिलावत कर सकता है। अगर घर में कौन भी नहीं है आपको, घर में कौन भी तन्हाई हमें अकेले ही, तो वो वक्त हमें आपको अगर किसी को तकलीफ का अंदेशा हो तो आहिस्ता पढ़े। हमें अगर कौन भी नहीं तो हमें वो टाइम में आपको जोर से पढ़ सकते हैं। अगर घर में भी आपको तुम्हें पढ़ते ही घर में जोर से पढ़ो, क्या भी नहीं बोले तो तुम्हें घर में पूरे जने के सामने जोर से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी को तकलीफ का अंदेशा हो तो आहिस्ता पढ़े। किसी की भी तकलीफ हो तो तकलीफ होने का अंदेशा है, उनको तकलीफ होंगी हमें जोर से पढ़ने से उनका नींद खलल होगा, उनकी तबीयत बिगड़ेंगी, तो हमें आहिस्ता पढ़ना। ऊंची आवाज से तिलावत करते हुए अपने कान या रुखसार, हमारा कान कान के ऊपर या आपको हमें हमारे कल्ले के ऊपर आपको हाथ नहीं रखना। देखो कान, अपने कान या रुखसार पर हाथ ना रखें, क्योंकि ये गाने वालों का तरीका है। हमें कुरान पाक पढ़ते समय आपको यहाँ कान में भी हाथ रखकर नहीं पढ़ना और आपको कल्ले में भी हाथ रखकर कुरान नहीं पढ़ना। ये की आपको तो ये पूरा आपको गाने वालों का, सिंगर्स का आपको, ये सिंगर्स फॉलो करते सुगर को उसमें बोलते हैं, क्योंकि ये गाने वालों का अंदेशा है। कुरान मस्जिद को तजवीद के उसूलों, तजवीद के उसूलों के मुताबिक उम्दा और सही मखारिज और सफात का लिहाज रखते हुए पढ़ें। यानी कि हमें कुरान मस्जिद पढ़ते तो पहले हमें तजवीद का लिहाज करना और आपको मुताबिक उम्दा और सही मखारिज, मखारिज का भी लिहाज करना, लिहाज करते हुए हमें आपको बराबर अच्छे तरीके से अच्छे लहजे से पढ़ना। जितना मुमकिन हो कुरान मस्जिद को तरतील से ठहर ठहर कर पढ़े। स्पीड पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर स्पीड तुम ना पढ़ते का तो उससे क्या भी ये नहीं, लेकिन जहां आपको तुम स्पीड पढ़ते उससे आपको लफ्ज गलती होती है, आपको लफ्ज कट होता तो वहां वैसा हमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठहर ठहर कर पढ़ना, जिससे आपको हम ना आपको नॉर्मल हम ना आपको तजवीज भी आता और मखारिज भी सही पढ़ते का तो हमें उस जगह आकर स्पीड पढ़ सकते। तरतील से ठहरा कर पढ़ना ये आपको इसमें है। रुमज औकाफ का ख्याल रखकर तिलावत करें, जहां आपको टिकाने का ये है वहां आकर टिका कर पढ़ना, समझ में। और अपनी बसाती के मुताबिक खुश लहनी से कुरान मस्जिद की तिलावत करें, ताहम राग और गाने का तर्ज लगाने बेअदबी है। यानी कि हमें आपको कुरान मस्जिद पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कुरान मस्जिद पढ़ते समय में गाने का तर्ज लाकर नहीं पढ़ना, ये आपको कुरान की क्या होती है, बेअदबी होती है। आयत रहमत पर रहमत की दुआ करें, जबकि आयत वईद पर मगफिरत की दुआ करें। अगर हम ना आपको हमें जहां तक हो सकता कुरान मस्जिद को समझ कर पढ़ने की कोशिश करना और वो लफ्जों का, वो जो हमें कुरान पढ़ते उसका लफ्ज का मानी क्या है, वो हर्फ का मानी क्या है, वो जान कर पढ़े, तो हम ना मालूम होगा कौन सा रहमत का आयत है, कौन सा वईद का आयत है, कौन सा आपको अजाब का आयत है, ये आपको हम ना मालूम होगा। इससे आपको जब रहमत की आयत आई तो उससे हम दुआ करना, जब वईद जिससे बुद्दुआ दिया गया है उस पर आपको हमें मगफिरत करने की दुआ करना। दौरान तिलावत इधर उधर देखना बेअदबी में दाखिल है। तिलावत कुरान मस्जिद पढ़ते तुम्हें हाथ रखकर पढ़ते ही तो इधर उधर देखना नहीं, सो मतलब इधर उधर नहीं देखना, कुरान पर देख कर पढ़े तो उसके अदब, ये इधर उधर देख कर पढ़ना बेअदबी है। तिलावत करते वक्त अपने पाओं पर हाथ ना रखें और ना इधर उधर की चीजों के साथ खेलें। कुरान मस्जिद पढ़ते समय पाओ में भी हाथ नहीं रखना और आपको इधर उधर की चीजें लेकर वो खेलना की, या उस चीज से आपको इधर उधर फलटाना ऐसा आपको नहीं करना। अगर वर्क उल्टाना पड़े तो उंगली पर थूक जबान से ना लगाएं, ये बेअदबी है। अब हमें कुरान मस्जिद पढ़ते हैं तो उसके दरमियान में आपको हमें पेज सफा फलटाना पड़ता तो जरे क्या करते, थूक लगा को पेज फलटाते, ऐसा आपको लगाना नहीं, ये आपको बेअदबी के मुताबिक बेअदबी होती है। कुरान मस्जिद की क्या होती है, बेअदबी होती है। उसके वास्ते जहां तक हो सकता है मैं आपको कुरान मस्जिद को जब सफा पलटाएंगे तो उसे थूक लगाकर नहीं सो पलटाना। दौरान तिलावत नाक में उंगली डालना अदब के खिलाफ है। अब हमें आपको कुरान पढ़ते ही तो नाक में भी उंगली डालना नहीं और पाओं में भी हाथ रखना नहीं, क्योंकि हमें अब नाक में उंगली डाल के फिर कुरान का सफा हाथ लगाते नहीं क्या। कुरान कितना बाबरकत किताब है, वो उस किताब में रखो, हमें उसका लिहाज करते हुए उस पर आपको क्या नहीं करना, उसे ना कुरान मस्जिद पढ़ते समय में पाँव में भी हाथ रखना नहीं और नाक में उंगली भी डालना नहीं, अदब के साथ पढ़ना। दौरान तिलावत किसी से बात ना करें, अगर जरूरी हो
तो आयत मुकम्मल करके बात करें। पहले आपको हमें कुरान मस्जिद पढ़ते ही तो कुरान मस्जिद पढ़ते टाइम में किसी से बात नहीं करना, अगर जरूरी बात करना जरूरी है तो जो आयत हमें पढ़ते ही वो आयत खत्म होने तक पढ़ सकते हैं, खत्म होने के बाद बात करना। अगर मुमकिन हो तो रुकू मुकम्मल करके कलाम करें, यानी कि एक रुकू, अब रुकू के दरमियान ही तुम्हें रुकू के दरमियान रहते समय वो बात करना अब जरूरी नहीं है, ये रुकू खत्म करे बाद भी हम बात कर सकते हैं, तो वो रुकू खत्म करे बाद बात करना, वैसा नहीं है तो वो आयत खत्म करे बाद बात करना। दोबारा तिलावत करने से पहले ताउस जरूरी पढ़ें, मतलब हमें किसी और से कुरान मस्जिद पढ़ते टाइम में किसी और से बात करते हैं हमारे किसी और से बात करने की जरूरत पड़ी तो उनके पास बात करे बाद ताउस पढ़को, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़को, हमें आपको कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। दौरान तिलावत आयत आजाब पर रोने की कोशिश करे तो बेहतर है। अब आपको मैं पहले बोला था हमने आपको कुरान मस्जिद पढ़ते तो उससे पहले हमने क्या मालूम होना, हमें हमने आपको आयत का आपको मानी मालूम होना, तभी चौक हमने आजाब का कौन सा आयत और आपको अजाब का कौन सा इसका मगफिरत का कौन सा रहमत का कौन सा हमने मालूम होगा, तो ये अजाब की आयत आए तो उसमें हमें रोने की कोशिश करना है। आयत सजदा पर सजदा करें अगर फौरन नहीं तो बाद में भी, बाद में पहली फुर्सत में सजदा करें या उन आयत का हक है, ये उन आयत का हक है। अगर हमें कुरान मस्जिद पढ़ते हैं तो मिसाल तौर पर हमें सूरह अलक पढ़ते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी पढ़ते हैं तो वो सूरह के आखिर में सजदा है, तो वो सजदा हमें आपको फौरन तब भी कर सकते हैं, अगर ना हो तो बाद में भी कर सकते, करना नहीं सुनाना नहीं, पहले इसमें क्या बोले देखो, अगर फौरन नहीं तो बाद में भी करें, हमें सजदा वो फौरन करना अगर नहीं तो बाद में भी कर सकते, ये आपको वो आयत का हक है, हमें वो आयत का हक अदा करना। जब तबीयत तिलावत करते करते थक जाए तो रुक जाए, हमें कुरान मस्जिद पढ़ते पढ़ते हम ना को चक्कर आया या को हमारी तबीयत जरा को बेकरारी थी या को हम ना को तबीयत में कुछ बदलावट दिसी तो हमें आपको कुरान मस्जिद पढ़ाने का टिका आ जाए, रुक जाए, रुका रुक जाए। तिलावत के दौरान इन तबीयत का इशरा बेहतर है, यानी कि तबीयत का हमें ख्याल रखना, उसके वास्ते हमें कुरान मस्जिद पढ़ते समय अगर हमें तकलीफ हुई तो उसके दौरान हमें कुरान मस्जिद पढ़ने का ठहराना, और कुरान मस्जिद मुकम्मल करने पर दुआ करना सुन्नत नबवी है, यानी कि हमें कुरान मस्जिद खत्म कर दिए तो हमें उस दौरान आपको क्या करना बेहतर है, हमें आपको कुरान मस्जिद खत्म हो पूरा कुरान खत्म करे तो हमें उस पर आपको दुआ करना, ये सुन्नत नबवी है। अभी इतना भी हमें जितना सुनिए क्या है, पहले कुरान मस्जिद के आदाब, हमें कुरान मस्जिद कैसा पढ़ना करको इसके आदाब, ये पहले हुआ आदाब जाहिरी, अब ये आदाब बातिनी, इसके बाद का आदाब बातिनी है, तो ये सुनो आदाब बातिनी क्या है, तो पहले हमें कुरान मस्जिद पढ़ते टाइम में दिल में ये ख्याल करना, देखो कुरान मस्जिद की तिलावत के बातिनी आदाब दर्ज ज़ैल है, कलाम पाक की अजमत दिल में रखें कि कैसा आली मर्तबा कलाम है, तो हमें कुरान मस्जिद पढ़ते टाइम में ये हमारे अंदर दिल में आपको हमें ये सोचना कि हमें कितना बड़ा अल्लाह ताला का कितना बड़ा, क्योंकि कुरान आपको अल्लाह ताला पहले आपको हर एक मखलूक को देखो वो आपको मना कर दे, पहाड़ को दिए, हर एक चीज को, जमीन को दिए, पूरा आपको इनकार कर दे, इंसान के पास आखिर आपको किताब आया कुरान पाक आया, सो इंसान चौको कुरान पाक को आपको कबूल कर ले, तो हमें आपको सोचना के क्योंकि कुरान पाक उतना मामूली किताब नहीं, बहुत भारी किताब है, जिससे हमें आपको बहुत सारे चीजें उससे आपको हमें सीख सकते हैं। उसके बाद क्या है, अल्लाह ताला की अजमत व घबराई के दिल में रखे जिससे जिसका कलाम है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, इससे हमें आपको क्या ही से पढ़ना, बाद अदब के साथ पढ़ना, बोलको ये हमें दिल में एहसास करना, दिल को वसावस और खतरात से पाक रखें, दिल के अंदर आपको कुरान पढ़ते समय में वसवसा नहीं रहना, ऐसा पढ़े तो वैसा होगा क्या, वैसा पढ़े तो ऐसा होगा ना, क्या सही छूंगा क्या, हमें कुरान पढ़ते समय में सच्चे दिल से पढ़ना, दिल में वसवसा रखकर नहीं पढ़ना, मानी का तदबीर करें और लज्जत के साथ पढ़ें, कुरान मस्जिद पढ़ते समय में एक खुशी के साथ एक इंटरेस्ट लेकर कुरान मस्जिद पढ़ना, यानी कि मजबूरन नहीं पढ़ना, घर में पूरे बोलते हैं या आपको पढ़ना हमारे पर फर्ज है ऐसा बोलको ऐसे इससे नहीं पढ़ना, लज्जत के साथ पढ़ना। जिन आयात की तिलावत कर रहा है दिल को उनके ताबे बना दे, मसलन अगर आयत अजाब जबान पर आए तो दिल लजर जाए, अगर हमें आपको कुरान मस्जिद पढ़ते ही तो कुरान मस्जिद पढ़ते टाइम ना आयत अजाब अजाब की आयत पढ़ते ही तो हमारे अंदर वो डर ये करना, डर आपको हमारे अंदर लाने की हमें कोशिश करना, अपने कानों को इस दर्जा मुतवज्जा बना दे कि गोया अल्लाह ताला का कलाम फरमा रहे हैं
और ये सुन रहा है। तो हमें आपको कुरान मस्जिद पढ़ना, पढ़ते ही तो कोई और पढ़ते ही तो हमें गौर से सुनना, ये भी आपको सवाब का काम है। ये आपको बेअदबी से नहीं सुनना, ये आपको बहुत अदब के साथ सुनना, क्योंकि ये अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते ही बोल को हमें ये दिल में ख्याल रखना। और इसके बाद है कुरान मस्जिद की बेअदबी कैसी होती, बेअदबी कैसी की जाती है घर को, उसके बारे में देखो। कुरान मस्जिद की बेअदबी के मुख्तलिफ सूरतें, कुरान मस्जिद की बेअदबी की मुख्तलिफ सूरतें दर्ज ज़ैल हैं। हर मुसलमान को इनसे हत्ता वसी इजतनाब करना चाहिए। हमें आपको ये कुरान मस्जिद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर वजू कुरान मस्जिद छूना, ये आपको कुरान मस्जिद की बेअदबी है। अभी बोलता हूँ सो कुरान मस्जिद की बेअदबी। पहला क्या है, बग़ैर वजू के कुरान मस्जिद छूना, ये भी बेअदबी। किताब तफासिर या आम किताबों में मरकूम कुरानी आयत पर बग़ैर वजू हाथ लगाना, चाहे वो कुरानी आयत आपको कौन सी भी किताब में लिख कर है तो उससे भी हमें बावजू होकर वो उठाना, बग़ैर वजू के वो किताब भी नहीं उठाना। तफसीर किताब होने दी आपको जिसमें आपको कुरान मस्जिद की आयतें ही, कुरान की आयतें ही, तो उससे आपको हमें क्या करना, वजू के साथ उठाना, बग़ैर वजू के नहीं उठाना। ये बग़ैर वजू के उठा तो कुरान की क्या है, बेअदबी है। उसके बाद नजस जगह पर बैठे हुए जुबानी या नाजिरा कुरान मस्जिद पढ़ना। नजस जगह का तो गलीस जगह में बैठकर, गलीस जगह है वहां आपको हमें नाजिरा भी नहीं पढ़ना कुरान, जबानी हमना जो जबानी याद है, जो सूरत याद है, जो कुरान मस्जिद याद है, वो भी आपको हमें आपको वो वैसे जगह में बैठकर कुरान मस्जिद नहीं पढ़ना। जब तिलावत की आवाज कानों में पड़ रही हो तो उसको खामोशी से ना सुनना। कुरान मस्जिद की आयतें अल्लाह ताला हम सबको रहम फरमाए, अल्लाह हम सबकी गुनाहों को माफ फरमाए। इसमें क्या है देखो, जब तिलावत की आवाज कानों में पड़ रही हो, जब हमने आपको कुरान मस्जिद कोई और पढ़ते ही या कहां भी आपको कुरान मस्जिद की तिलावत करते ही या कुछ भी होंगे फोन में रखें कैसे भी होंगे वहां आपको पढ़ते ही, तो उसको खामोशी से ना सुनना। हमें खामोशी के साथ नहीं सुने तो भी क्या होगा, हम ना हो वो भी कुरान की बेअदबी करे सकत। कुरान मस्जिद याद करके भूल जाना, जो हमें कुरान मस्जिद याद किए, सूरह याद किए, याद कर भूल जाना भी ये कुरान की बेअदबी है। और उसके बाद कुरान मस्जिद के ऊपर कोई किताब रखना, ख्वाह हदीस या फकहा ही क्यों ना हो, कुरान मस्जिद के ऊपर आपको किताब रखना, कोई किताब भी कुरान के ऊपर कोई किताब भी नहीं रखना, चाहे वो हदीस की किताब हो, चाहे वो आपको कोई ही किताब हो, कौन सी फकहा किताब क्या किताब भी रखे, वो कुरान मस्जिद के ऊपर नहीं रखना। और उसके बाद क्या है, कुरान मस्जिद के ऊपर अपनी आइनक कलम या टोपी वगैरह रखना। हमारे आइनक हमें कुरान मस्जिद पढ़ने के दौरान आपको हमारे कुरान मस्जिद के ऊपर हमें अपना आइनक भी नहीं रखना, चाहे वो कलम हो या पेन हो, पेंसिल हो, क्या भी हो, या अपनी टोपी हो, कौन सा भी आपको कुरान मस्जिद के ऊपर नहीं रखना। और उसके बाद है कुरान मस्जिद की तरफ पाँव पहलाना, कुरान मस्जिद सामने रखकर है तो उस तरफ हमें पाँव पहलाए तो भी ये कुरान की क्या है, बेअदबी है। कुरान मस्जिद नीचे होना और खुद करीब ही ऊंची जगह पर बैठना, कुरान मस्जिद नीचे है तो कुरान मस्जिद के बिल्कुल सामने तुम्हें आपको ऊंची जगह पर बैठी, कुरान नीचे है तुम्हें ऊंची जगह पर बैठे रहे, तो ये भी कुरान की क्या है, बेअदबी है। कुरान मस्जिद ऐसी जगह पर रखना जहां आने जाने वालों को पुष्ट होती हो, कुरान मस्जिद आपको ऐसी जगह पर रखी ही तुम्हें जहां आपको आने जाने वालों को तकलीफ होती है, वैसी जगह पर कुरान मस्जिद नहीं रखना। तिलावत के दौरान पाँव को हाथ लगाना या नाक में उंगली डालना, इससे पहले मैं कुरान मस्जिद के आदाब में बोला था कुरान मस्जिद पढ़ते समय आपको पाँव को हाथ लगाना नहीं, नाक में उंगली डालना नहीं, करको ये चको कुरान मस्जिद की बेअदबी है। कुरान मस्जिद की बेअदबी क्या है, नाक में उंगली डालकर फिर भी हमें क्या करते हैं, कुरान मस्जिद के सफात को हाथ लगाकर पढ़ते नहीं क्या, उसके वास्ते हमें क्या नहीं करना, कुरान मस्जिद की कुरान मस्जिद पढ़ते वक्त को हाथ को आपको पाँव को हाथ लगाना नहीं और आपको नाक में उंगली नहीं डालना। बगैर शरई उजर के लेट कर कुरान मस्जिद पढ़ना, खा नाजिरा हो या जबानी, कुरान मस्जिद में पढ़ते समय आपको लेट कर नहीं पढ़ना, पढ़ जा को आराम से पढ़ जा को आपको कुरान नहीं पढ़ना, चाहे वो आपको हमें देख कर पढ़ते हो नहीं जुबानी पढ़ते हो, नाजिरा भी पढ़ो तुम्हें या जुबानी भी पढ़ो, शरई एतबार से तुम ना आपको सही में आपको तुमने उठ कर बैठना नहीं होता, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो शरई उजर हो, हमारे हाथ से उठ कर बैठे तुम ना वो तकलीफ होंगी, हमारी तबीयत बिगड़ेंगी, तो उसके मुताबिक आपको हमें आपको कुरान मस्जिद आपको लेट कर पढ़ सकते हैं, लेकिन अच्छे ही सेहतमंद ही बैठ कर पढ़ सकते हैं,
तो उस वैसी हालत में आपको हमें लेट कर पढ़ना है। ये कुरान मजीद की क्या है, बेअदबी है। कुरान मजीद का मुताला करते वक्त हक्का या सिगरेट पीना या मुंह में निस्वार रखे हुए तिलावत करना, यानी कि कुरान मजीद पढ़ते समय हक्का मारते जने या को सिगरेट पीते या को, ऐसा करना नहीं, ऐसा तो नहीं करते हैं, लेकिन ये मुताबिक इसके मुताबिक किताब ये बेअदबी के मुताबिक ये भी एक बात आई है। नाजायज कारोबार में बरकत के लिए कुरान मस्जिद पढ़ना या पढ़वाना, ये भी आपको कुरान मस्जिद की बेअदबी। अल्लाह ताला आपको कौन से काम में आपको जायज दिए हैं कि कौन सा कारोबार कौन से बिजनेस आपको जायज है कि उसमें आपको कुरान मस्जिद पढ़ना, वो आपको क्या भी नहीं। अगर नाजायज अल्लाह ताला की तरफ से आपको वो कारोबार करना जायज नहीं है, हराम है, उस कारोबार में हमें आपको कुरान मस्जिद पढ़ना या पढ़ाना, हमें जाकर पढ़ते या आपको पढ़ाने रखते हैं, तो उसकी भी वो भी आपको कुरान मस्जिद की क्या है, बेअदबी है। कुरान हरूफ वाली अंगूठी पहनकर बैतुल खुला में जाना, बैतुल खुला का तो क्या है, कुरान मस्जिद की अंगूठी, कुरान मस्जिद की कुरान आयत लिखो, कुरान हरफ लिखो रंगा अंगूठी में, वो अंगूठी पहन लेकर हमें टॉयलेट को जाए तो भी ये क्या है, कुरान की बेअदबी करने के मुताबिक। ये भी अखबारात में कुरानी आयात की इशाअत करना और फिर उन्हीं आम कागजों की तरह जमीन पर फेंक देना, ये भी आपको कुरान की बेअदबी। अखबारात मतलब कुरान मस्जिद की जो भी एक सफा है अखबार न्यूज पेपर है जिसमें आपको कुरानी आयत है, उर्दू पेपर में रहेंगे तो उर्दू पेपर में तुम्हें देखे रहेंगे, उसमें आपको एक दो पेपर में मुनासिब रहेंगे शायद, उसमें आपको कुरानी आयत लिखकर है तो हमें वो देख कर उसकी हिफाजत से बराबर ऊपर रखना। ये आम कागज नॉर्मल पेपर के सका उठा को नीचे नहीं डालना, नीचे डाले तो इसकी भी क्या है, ये भी कुरान मस्जिद की बेअदबी करने के मुताबिक है। तो अल्लाह ताला हम सबको इसका खास ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। और इसके बाद क्या है, कुरान मस्जिद देखो अखबार और रिसाली वगैरह जिनमें आयत कुरानी हो उनको दस्तरखान वगैरह के लिए इस्तेमाल करना। कुरान मस्जिद का आयत लिखो है, कुरान की आयतें लिखो ही, तो उसे आपको हमें क्या करना नहीं, दस्तरखान का इस्तेमाल नहीं करना, दस्तरखान रखो इस्तेमाल करने में, ये तो दस्तरखान कहाँ रखते हैं, हमें नीचे रखते हैं, उसके ऊपर हमें बर्तन पूरा रखते हैं, तो उससे भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। कुरान मस्जिद की आयतें लिखो ही सो वो भी नहीं इस्तेमाल करना। कुरान करीम के नगोश वाले कैलेंडर या किताबों की तरफ पाँव फैलाना, कुरान मस्जिद का नक्शा है, कुरान का एक कुरान का जो नक्शा है ना वो नक्शा छुड़ा कर है कैलेंडर में, वो कैलेंडर की तरफ हमें पाँव फैला कर भी नहीं बैठना। मोनोग्राम या गिफ्ट के इशारे अशिया वगैरह पर आयतें लिखना जिससे बेअदबी का अंदेशा हो, यानी कि कुरान मस्जिद हमें आपको किसी भी एक गिफ्ट देते तो वो गिफ्ट के कवर में या आपको किस्मती भी आपको कुरान मस्जिद की आयत लिखते आयत लिखना जिससे बेअदबी का अंदेशा है। ये आपको हमें क्या करते गिफ्ट का पेपर में किस्मती भी आपको कुरान मस्जिद की आयत लिखो देते वो गिफ्ट का और कौन सी भी बाहर फेंके तो नीचे फेंक जाते वो भी हमें क्या होगा, गुनाह होगा। कुरान मस्जिद के आयत को मसरूई और खिताती के मुख्तलिफ डिजाइनों में इस तरह लिखना के पढ़ने वाले ना समझ सके और गलत पढ़े, सख्त बेअदबी है। तो हमें आपको कुरान मस्जिद की आयतें क्या करना नहीं, कुरान मस्जिद की आयतें बराबर देख कर पढ़ना जिससे आपको ऐसे नहीं लिखना कि दूसरों को आपको दूसरे पढ़े तो आपको उनको आपको कन्फ्यूज होना नहीं उनको। अब फॉर एग्जाम्पल आपको तुम्हें कुरान मस्जिद की आयत लिखते हैं खौफ के जगह आपको तुम्हें खौफ लिखे रहेंगे लेकिन आपको दूसरे जन को फा कह सका जिससे आता वो आयत का मानी बदल जाता, तो उससे वास्ते हमें आपको डिजाइन में आपको लिख सकते लेकिन आपको दूसरों को समझ में आ सका लिखना। हम ना समझ में आए तो बस करो हम ऐसा लिख दल को कहती हुए दल चले गए वो दूसरे को पढ़े या किसी चीज हमें दिए तो उन्होंने पढ़ते समय वो हरफ बदला को पढ़ जाती भी उसका भी गुनाह होता, ये भी आपको बेअदबी होती। कुरान मस्जिद को मैयत के साथ खबर में रखना, कुरान मस्जिद को आपको मैयत के साथ आपको खबर में रखना, ये भी आपको कुरान मस्जिद की बेअदबी है। कुरान मस्जिद की पोशीदा औराख को आम कोड़ा करकट के ढेर में फेंकना, इनके कुरान मस्जिद का पेपर कुरान मस्जिद का नूरानी कायदा है या अलहम है या कुरान मस्जिद का कोई सफा आपको फड़गा है वो फड़ने के बाद आपको हमें क्या करते उसे आमतौर पर कोड़ा का तो कचरे के इसमें डस्टबिन में डाल है तो अगर जरूरत पेश आए तो ऐसे औराख को जमा करके नहर या दरिया के पानी में बहा देना चाहिए। हमें क्या करना अगर हमारे पास कुरान मस्जिद की आयतें फड़ गई हैं सफात फड़ गई हैं तो उसे क्या करना हमें जमा कर नहर या दरिया में आपको बहा देना वो आपको जिससे आपको वो आपको दरिया में आपको वो कुरानी आयत आपको ये हो जाता इससे इसकी हिफाजत आपको बहुत देख कर करना क्योंकि हर घर में भी आपको कुरान मस्जिद है
हर घर में बच्चे भी हैं जिससे आपको कुरान मस्जिद आपको पढ़ते ही आपको कुरान मस्जिद के सफात फट जाते हैं, वो आपको हमनाच मालने समय आपको फेंक डालेंगे, उसके हाथ से देख कर हिफाजत से रहना। कुरान कुरानी आयात वाला कागज खुली हालत में बैतुल खला ले जाना, कुरान मस्जिद का आयत आपको लिखकर है, खुला है, पेपर खुला है, उसमें क्योंकि अभी फोल्ड करको नहीं है, अगर चांदी चमड़े वगैरह में बंद हो तो मुश्ता है, यानी कि कुरान मस्जिद का आयत लिखकर है उसे आपको फोल्ड करको, अब फॉर एग्जांपल तस्बीह कपड़े के अंदर फोल्ड करको या चांदी चमड़े चमड़े के अंदर आपको फोल्ड करको है तो आपको उससे क्या भी नहीं, अगर खुला पेपर हमें उठा लेकर गए तो इससे भी आपको कुरान की बेइज्जती होती। आयत कुरानी या कुरान मस्जिद को हकीर समझते हुए आग में डालना, कुरान मस्जिद के आयत को आको हमें आको हकीर समझना, क्या अभी नहीं कुरान का पेपर इतना बोल को हमें सोचकर ऐसा आग में डाल डाले तो ये भी कुरान की बेअदबी होती है। और जिसने कुरान पाक की तिलावत की और गुमान किया कि कोई शख्स इससे अफजल चीज का हामिल है तो उसने कलाम कलाम अल्लाह की तौहीन की। तो इससे क्या मतलब होता है, हमें कुरान मस्जिद पढ़ते ही तो हमें ये नहीं सोचना कि इससे अफजल कौन सी किताब आपको कौन सी बनाए रहेंगे, ऐसा सोचकर आपको हमें तिलावत नहीं करना, उसके ऐसे जहां तक हो सकता है हमें आपको कुरान मस्जिद की अदब अदब करना और उसकी बेअदबी से अल्लाह ताला हम तमाम को हिफाजत करने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किसे किसी की डाउट है क्या? नहीं सर। अगर मैं ये इंशाल्लाह ये सफात जो मैं पढ़कर सुनाया हूँ इंशाल्लाह इसे मैं फॉरवर्ड भी करता हूँ, ग्रुप में ही फॉरवर्ड करता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। अब मैं बोलिया हूँ चंद बच्चे जहन में चंद बातें जहन में रहेंगे चंद बातें जहन में नहीं रहेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको इसके से सफात के सफात का ये भी है मैं जो अब मैं स्क्रीन में शेयर किया था वो इंशाल्लाह आपको फॉरवर्ड करूंगा। जज़ाकअल्लाह हजरत, आपने बहुत ही खूबसूरत और उम्दा लिहाज में बच्चों को कुरान की बेअदबी और अदब के बारे में समझाया है। और मैं अब नबीदा मिस को बुलाना चाहूंगी, ये भी हमारे स्कूल की नई असातिज़ा हैं जो अब गाना सुनना मना है के बारे में बोलना चाहेंगी। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज गानों के गाना सुनना मना है इस टॉपिक के बारे में बोलती हूँ। आजकल गानों की आवाज इतनी आम है कि गली में बाजारों में उसे जहां से भी गली जाते रहते घरों से गलियों से बाजारों से हर जगह से कान में क्या किसकी आवाज आती है, कुरान तिलावत की आवाज भी नहीं आती, नात हम्द किसी की आवाज भी नहीं आती, सिर्फ गाना 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 की आवाज म्यूजिक की आवाज खाली नाच गानों की आवाज ही आती है। बस में जान दे चाहे वैन में सफर करें दे बस में सफर करें दे उसमें भी कैसेट चिप क्या देख वो छला लग जाते हैं, आवाज किसकी गाना छला ले को मजा से ऐसा सफर कर ले जाते हैं। क्योंकि ऐसी सूरत में मसला यह है कि गाना सुनने के गुनाह का दारो मदार खसदन इरादा पर है, यानी जानबूझ कर गाना सुनने से गुनाह होता है, लेकिन अगर इरादा गाने बजाने की आवाज कान में पड़ जाए तो बला खसदन अचानक गाना सुनने की आवाज जब कान में आ जाए तो क्या करना गुनाह नहीं, वो खुद आवाज कान अब हमें गली में जाते ही गाने की आवाज आ गई तो वो खुद कान में पड़ गए तो कि हमें गौर से तो नहीं सुनेंगे ना, वो खुद पड़े तो क्या करना, वैसा क्या भी गुनाह तो नहीं, गुनाह नहीं है जब वो खुद कान में गाने की आवाज आए तो गुनाह नहीं। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो बिला हसदन इख्तियार थी और उनके लिए कान बंद करना जरूरी ना था, लेकिन उन्होंने ऐसे मौके पर कान बंद कर लिए थे। चुनांचा आज भी अगर कोई गाने वगैरह की आवाज से कान बंद कर ले तो बेहतर है, लेकिन अगर कोई कान बंद ना करे और यूं ही गुजर जाए या सवारी में बैठा रहे खसदन गाना ना सुने तो भी कोई गुनाह नहीं। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात किसी शख्स के गाने की आवाज सुनी तो आपने 3 मरतबा फरमाया कि उसकी नमाज कबूल नहीं,
क्या बोले हमारे अपने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात किसी शख्स के गाने की आवाज़ सुनी, रास्ते में जाते जाते एक आदमी की गाने की आवाज़ सुनी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर क्या फरमाया कि उसकी नमाज कबूल नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं, उसकी नमाज कबूल नहीं। गाना सुनना और सुनाना ऐसा मनहूस अमल है कि इसमें मशगूल होने वाला अगर नमाज अदा करे तो गोया फर्ज उसके जिम्मा से उतर जाए, लेकिन उसकी नमाज कबूल ना होगी। अगर गाना सुनने वाले नमाज फर्ज नमाज पढ़े तभी उसकी कबूल नहीं होगी, और बाद से अजर और सवाब भी ना मिले, उसे उसके आगे सवाब भी नहीं मिलेंगे। हदीस में है कि गाना सुनने वाले बावजूद मुसलमान होने के और नमाज रोजा अदा करने के बाद भी उनकी शक्लें उसके बाद बंदरों और खिंजीरों की सूरत में बदल जाएगी। लिहाजा गाने का शौगल रखने वाले अपने अनजान पर गौर करें, अपने अंजाम पर गौर कर ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाना बाजा सुनना गुनाह है और गाना सुनने के लिए बैठना नाफरमानी है, और उससे लुत्फ यानी मजा वो गाना सुनकर शौक होना, जोश होना, खुशी होना, उसे मजा लेना कुफ्र है। हदीस में कुफ्र से कुफरान या नेमत मुराद है, मतलब यह कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये आज़ा इसलिए दे ही कि उनसे वो अल्लाह ताला के अहकाम और सलाहियतों को उसकी इबादत में लगाए, भी उन्हीं चीज़ों को अल्लाह ताला की नाफरमानी में, यानी ये पूरा जान कर गाना नहीं सुना, सुनने के वो मालूम हो को भी तुम्हें वो चीज़ों को इस्तेमाल करे तो अल्लाह ताला की नाफरमानी और गुनाहों में सर्फ करने लगते हैं, गुनाह में सर्फ करने लगे तो अल्लाह ताला ये सबसे बड़ी नाशुकरी और नाखदरी है। इसलिए गाना सुनने और सुनाने से बचना चाहिए। गाना और मौसीकी इंसान में इस कदर गफलत बनाती है, गाना में भी म्यूजिक में भी, दो भी मेरे को इंसान को कान तक ले लग जाता। देखो कि आदमी कुरान करीम को समझने और उस पर गौर करने और उस पर अमल करने का जज्बा और शौक ही को ख़त्म कर जाता है, हमारा पूरा अच्छा नेक अमल को सभी बर्बाद कर जाता है। किस तरफ बुला लग जाता है कि दोज़ख के बदी के तरफ बुला लग जाता है, बदनजरी, जिंसी बदकारी, जीना जैसे बदतरीन गुनाहों में मुब्तिला कर जाता है, और जो कुरान करीम की तालीम के बिल्कुल उलट कर देता है, क्योंकि कुरान करीम जो कुरान करीम की तालीम का बिल्कुल उलट है, क्योंकि कुरान करीम इंसान को किस तरफ ले जाती है, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी से रोकता है, इफ्फत और पाक दामनी का हुक्म देता है कि हमसे परहेज रहे तो हम कुरान शरीफ को सीधा रास्ता पर बुला ले जाता है, इफ्फत पाक दामनी का हुक्म देता है, शहवानी जज्बात में कंट्रोल पैदा करता है, बदकारी और जिना से दूर रखता है। इस तरह का गाना कुरान तालीम के बिल्कुल खिलाफ है, शैतान की पैरवी दावत देता है, जो सरासर निफाक है। लिहाजा हर मुसलमान को निफाक से और शैतान के स्लो पॉइजन से बचना चाहिए, जिसका वाहिद तरीका यही कि वो नाच गाने के गुनाह से सच्ची तौबा करे, और खासकर निकाह की तकरीबात में भी इस गुनाह से बचना चाहिए, आम जिंदगी में भी इससे इज्तनाब करे। आजकल गाना सुनना सुनाना इस कदर आम है कि अक्सर शादी में, ब्याह और दीगर सुन्नत तकरीबात में भी गाने खूब चलाए जाते हैं, बल्कि बाज मोहल्लों में इस मौका पर इतनी बुलंद आवाज़ से गाने चलाए जाते हैं कि पूरा मोहल्ला उनकी आवाज़ से गूंज उठता है, और सारे मोहल्ले वाले की इस आफत में झेलना पड़ता है। अब वो एक घर में गाना रख दे तो पूरे मोहल्ले वाले को तकलीफ होता है, आफत निगरानी में मुब्तिला होना पड़ता है, क्योंकि गानों की आवाज़ बुलंद आवाज से ना कोई मुतालिया कर सकता है, ना तिलावत कर सकता है, ना इबादत करता है, ना जिक्र दुआ करता है, बल्कि कोई आराम तक भी नहीं कर सकता। इस तरह गानों की आवाज से दूसरों को तकलीफ पहुंचाना हराम और सख्त गुनाह है। ऐसी तकरीबात में शरीक होना भी जायज नहीं, नहीं अहले तकरीब कितना ही बुरा क्यों ना माने उससे बिल्कुल परवाह ना करनी चाहिए। क्या गाना हो, जहाँ म्यूजिक होता गाना होता वैसा का फंक्शन में से भी अटेंड नहीं करे तो भी परवाह नहीं, कितना चाहे सगे भी रहें, दूर के रिश्तेदार भी होंगे, जिसमें बुराई है तो उसे दूर हटकर रहो, इतना ही इससे मालूम होता है। क्योंकि उस किसी इंसान को खुश करने की खातिर अल्लाह ताला को नाराज करना नाजायज है। इतना ही, बाकी का इंशाल्लाह फिर मेरा टाइम हो चुका है, इंशाल्लाह बाद में बता चुकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जज़ाकअल्लाह नवीद अमीस, आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बच्चों को
गाना ना सुनने के बारे में बताया है, ये सुनकर हम सबको इबरत हासिल करनी चाहिए और हम सबको इस पर अमल करना चाहिए। अब मैं अर्शिया सबा मिस को बुलाना चाहूंगी जो जिक्र के एहतिमाम के बारे में बताएंगी। जी अर्शिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिक्र के बारे में चंद बातें आपसे बताना चाहूंगी। जिक्र, हजरत वाला रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि कसरत जिक्र से नूर पैदा होगा, नूर से शरवर पैदा होगा, शरवर से कुव्वत और ताकत पैदा होगी, जिससे ताअत का ज़ौक और शौक पैदा हो जाएगा और उसकी पाबंदी होने लगेगी। अगर हम जिक्र की आदत बना लेंगे तो गुनाहों से नफरत पैदा हो जाएगी, जिस तरह मैयत की बू से नफरत होती है। ऐसे ही अल्लाह ताला के जिक्र की बरकत से बुरी बातों से नफरत पैदा हो जाएगी। जिक्र की बरकत से जुबान गुनाहों से बचेगी, आंख गुनाहों से बचेगी। हजरत वाला रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि दो शख्स ही, एक जिंदा और एक मुर्दा, जाहिर है कि दोनों की हालत में फर्क है। जो शख्स मुर्दा है उसको किसी चीज की एहसास नहीं, नफा नुकसान की तमीज नहीं, लेकिन जो शख्स जिंदा है उसको हर चीज का एहसास होता है और वो अच्छे बुरे में तमीज करता है। तो जिक्र करने से इंसान में खास किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है जिसकी असरात जाहिर होगी, और जो जिक्र नहीं करता उसमें ये बात पैदा नहीं होते। हदीस में जिक्र करने वालों की मिसाल जिंदा शख्स से दी गई है। फरमाया कि मसलुल लजी यस्कुरु रब्बहु वल लजी ला यस्कुरु रब्बहु मसलुल हय्यी वल मय्यीत। तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता है, दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की सी है, कि जिक्र करने वाला जिंदा है और जिक्र ना करने वाला मुर्दा है। अजीजों, खुलासा कलाम यह है कि दिन भर में हमें थोड़ा वक्त निकाल कर जिक्र अल्लाह करना चाहिए। एक तस्बीह कलिमा है तैयबा की, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। अगर हम इसका एहतिमाम और उसकी पाबंदी करने लगेंगे तो उसके बहुत से फायदे हमारी जिंदगी में दिखाई देगी। गुनाह से नफरत पैदा होगी। ये सोचना चाहिए जिक्र करने का अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम रखता है। जो शख्स मुझे याद करता है, मेरी जिक्र करता है, तो मैं भी उसे याद करता हूँ। गौर करने का मुकाम है कि दो जहां के मालिक और खालिक, जिसे याद रखे उसका क्या मुकाम और मर्तबा होगा। इसलिए जिक्र का एहतिमाम किया जाए, पाबंदी से किसी वक्त बैठ कर जिक्र किया जाए। उस जिक्र से जो कैफियत पैदा होगी उसको हजरत ख्वाजा साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने अल्फाज में कुछ यूं बयान किया है। मुझे दोस्त छोड़ दे सब, कोई मेहरबान ना पूछे, मुझे मेरे रब है काफी, मुझे कुल जहां ना पूछे। शबो जर में हूँ मज़ूब और याद अपने रब की, मुझे कोई हाँ ना पूछे, मुझे कोई हाँ ना पूछे। अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकअल्लाह अर्शिया मिस, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने बयान किया है जिक्र के बारे में। अब मैं हाफिज सदाम हजरत को बुलाना चाहूंगी जो हुकूकुल वालिदैन के बारे में बोलना चाहेंगे। जी सदाम हजरत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह फ़ज़ल से आप सब खैर आफियत से होंगे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मेरा टॉपिक जो है, मेरा उनवान वालिदैन के हुकूक़। आज हमारे समाज में देखा जाता है, आज हम अपने घरों में, अपने रिश्तेदार के घरों में या जहां भी जाते वहीं एक चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है,
तो क्या चीज है? वो है वालिदैन की नाफरमान। हम आज हमारे वालिदैन की बहुत सारी नाफरमानियां करना शुरू कर लिए, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरु अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह क्या बोलते हैं? अल्लाह तआला हमारे पर फर्ज करे हैं अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की, अल्लाह को एक मानना, उसी की बात करना, वो तो अल्लाह हमारे पर एक फर्ज करे हैं। उसके बाद अल्लाह और क्या इरशाद फरमाते हैं, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ कैसा सलूक करना है, वालिदैन के साथ कैसा पेश आना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, उसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम्हारे वालिदैन माँ बाप या उन दोनों में से कोई बूढ़े हो गए, तो जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनको तुम्हें क्या नहीं कहना, उफ उफ तक भी नहीं कहना। उफ का मतलब अल्लाह बोलते औला तनहरहुमा, उनको झिड़कना नहीं, उनको उफ तक छीनना भी नहीं है उनको। जाहिर है कि अगर कोई बूढ़ा हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, तो जिस्म में चिड़चिड़ापन थोड़ा पैदा हो जाता है, तो हमारे वालिदैन के जिस्म में भी ऐसे ही थोड़ा चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, तो हमें उनको छिड़कना हरगिज़ भी नहीं छिड़कना है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो तुम्हें उनको उफ तक भी नहीं कहना है। उनको वालिदैन की हदीस में आता है, वालिदैन को अगर कोई प्यार की नज़र से, मोहब्बत की नज़र से देखता है, तो उसे एक हज करने का अल्लाह तबारक व तआला सवाब देते हैं। तो वालिदैन के साथ इतना बड़ा दर्जा वालिदैन का इतना है, तो हम वालिदैन की नाफरमानियाँ क्यों करें? अल्लाह तबारक व तआला और जो ऐसा फरमाते हैं, वसैनल इंसाना बिवालिदैही इहसाना बिवालिदैही हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला हमें वसीयत करते हैं, क्या करते हैं? वसीयत करते हैं इंसान को। किस चीज की वसीयत करते हैं? कि उनके वालिदैन के साथ, उनके माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें, उनका हक जताए। और अल्लाह ने हमें एक दुआ भी सिखाई है, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा। वो दुआ ये है कि अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, क्यों उन्होंने हमें बचपन में जिस तरीके से पाला है, इसलिए उन पर क्या फरमा, रहम फरमा। तो हमें आज हमारे घरों में, समाजों में देखा जाता है कि हमारे वालिदैन की नाफरमानी ज़्यादा करते हैं। तो जहाँ तक हो सके हम अपने वालिदैन की इताअत करें, फरमा बरदारी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्माहात। अगर तुम्हें जन्नत हासिल करना है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है। जन्नत कहाँ है? तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो वो जन्नत को कैसे हासिल करेंगे हमें, और जन्नत हमें कैसे मिलेगी? माँ की इताअत करने से। और वालिदैन के बारे में फरमाया, वालिद के बारे में, अब्बू के बारे में, अल वालिद औसतु अबवाबिल जन्ना। वालिद, बाप क्या है? जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। अब आकर है ना, माँ जन्नत है और बाप दरवाजा। तो अब यहाँ ये यकीन होता है कि हम सिर्फ माँ की इताअत करें तो हमें जन्नत मिल जाता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलेगा जब बाप की नाफरमानी करेंगे। तो हमें माँ बाप दोनों की इताअत करना है, दोनों की बात मानना है, दोनों की फरमा बरदारी करना है। क्योंकि जब हम बच्चे थे, यहाँ तक के हमें कुछ बोलने की ताकत नहीं थी, बैठने की भी ताकत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमें रोना आता था। ऐसे हालत में हमारी जो देखभाल किए, हमारी जो ज़रूरियात को पूरा करे, वो हमारे वालिदैन हैं। वो वालिदा जब हमें बच्चे थे, तो हमें जब तक नहीं खाते उस वक़्त तक हमारे अम्मी नहीं खाते थे, जब तक हमें नहीं सोते उस वक़्त तक हमारे अम्मी नहीं सोते थे, हमारे वालिदा नहीं सोते थे। तो आज हमें उनकी नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा सख्त आज़ाद देंगे हमें। वालिदैन की नाफरमानी करना बड़े बड़े गुनाह में से एक गुनाह है। अगर कोई आदमी अच्छा नेक काम किया, बहुत सारा अच्छा काम किया,
उसके हक में अल्लाह क़यामत की जन्नत भेज दिए, लेकिन एक गुना वो करता रहा दुनिया में, वो क्या गुना, वालिदैन की नाफरमानी अगर करता था, उसे तौबा भी नहीं किया, तो वो उस एक गुनाह की वजह से वो बंदा जन्नत से जहन्नम को जाने के लायक बन जाएगा। तो वालिदैन की फरमा बरदारी, वालिदैन की इताअत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि हम ही चाहे कुछ भी हो जाए तो हमारे वालिदैन को एक उफ तक भी नहीं कहना, हमें चाहे खुशी के हालत में हो या गुस्से के हालत में हो, किसी भी हालत में हो, हम अपने वालिदैन की नाफरमानी हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना। वालिदैन को रहमत की नज़र से देखना है, उनसे प्यार से पेश आना है, हमारे वालिदैन हैं। तो एक आदमी, उनके वालिदा को चलने नहीं होता था, तो एक आदमी था, एक बुजुर्ग, वो क्या करते थे, उनके वालिदा उनके अम्मी को चलने नहीं होता था, तो वो आदमी क्या किया, एक टोकरी में उनके वालिदा को बिठा कर वो जहाँ जाना चाहती थी उनको अपने सर पर लिए फिरता था। वो बाजार जाना चाहते थे तो उस वालिदा को क्या करता था, वो आदमी एक टोकरी में बिठा कर उसको अपने सर पर रख कर जाता था और बाजार को ले जाता। और अगर ऐसे ही किसी और जगह जाना हो तो उस वो आदमी क्या करता था, अपने वालिदा को, अपने अम्मी को टोकरी में बिठा के सर पर ले जाकर उनकी ज़रूरत पूरा करता था, उनकी ख्वाहिश करता था, उनकी बहुत खिदमत किया और उनकी बहुत इताअत की, उनकी बात मानी, उनका कहा माना, सब कुछ उन्हें उनके अच्छे तरीके से खिदमत किया। एक दिन वो आदमी एक बड़े बुजुर्ग के पास जाता है, एक बड़े अल्लाह वाले के पास जाकर बोलता है, अय अल्लाह वाले, मैं क्या अपने वालिदा की बहुत सारी खिदमत किया, वो जहाँ जाना चाहती थी मैं उनको अपने सर पर बिठा कर ले जाता था, ले गया और जो कुछ वो ख्वाहिश करती थी उनके मुताबिक मैं काम करता रहा, उनकी फरमा बरदारी किया, उनकी बात माना, उनकी खिदमत किया, क्या उसके बाद ये पूरा बलाल को ना पूछता, क्या मैं अपने वालिदा का हक अदा कर दिया, इतना काम पूरा मैं करा ना, मैं हमारा अम्मी का हक अदा कर दिया क्या। फिर को बुजुर्ग के पास पूछे तो वो बुजुर्ग क्या बोलते हैं, अरे भाई तुम्हें तो पूरा काम किए, उनको जहाँ जाना चाहते थे वहाँ सर पर रख कर तुम्हें लेकर गए और सब करे, इतना सब करने के बाद भी जब तुम्ही पैदा होते वक्त, तुम्हारे डिलीवरी के वक्त तुम्हारे अम्मी दर्द की वजह से आह कर को अलडाए ना, तुम्हारा अम्मी दर्द की वजह से आह कर को अलडाए ना, उस एक आह का भी तुम हक अदा करे नहीं कर को बोलते। तो जरा सोचो, उतना खिदमत करने के बाद भी वो एक आह का, उस दर्द की वजह से जो आह कर को चिल्लाए उसका भी हक अदा नहीं हुआ, तो वालिदैन का कितना हक होगा। अगर हमारी सारी जिंदगी भी हमें वालिदैन की हक अदा करते रहेंगे तब भी हक अदा नहीं होगा, क्योंकि उतनी बड़ी तकलीफ से हमारी परवरिश किए हमारे वालिदैन। क्यों परवरिश किए, कि आगे जाकर वालिदैन क्या करना हो, हमें क्या करना, हम बच्चे उनकी क्या करना है, फरमा बरदारी करना है। अगर वालिदैन, कोई वालिदैन ये नहीं चाहते कि हम उनका बच्चा क्या हो सके, नाफरमान हो सके, कोई पसंद करेंगे क्या, अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप हम ना बुरा देखना पसंद करेंगे, उनकी नाफरमानी करना पसंद करेंगे, उन्होंने हमें, बाप तो हमारे लिए अपना पसीना, अपना खून को पसीना बनाकर बाहर निकाल दी, मेरा बच्चा को क्या पसंद है, हमारे बच्चे को ये पसंद रहेगा, ये अच्छा रहेगा क्या, हमारे वास्ते कितनी मेहनत पड़ते हैं हमारे माँ बाप, क्या आज हम उनको तकलीफ देना है, इसीलिए उन्होंने हमारी परवरिश की। अब इताअत कैसा करेंगे माँ बाप की, वालिदैन की फरमा बरदारी कैसा करेंगे, वालिदैन की फरमा बरदारी सिर्फ यह नहीं कि वालिदैन जो कुछ पूछते हैं लगा कर देना, वो भी है, वालिदैन की फरमा बरदारी है, वो जो भी काम बोलेंगे हम उसको अंजाम देंगे, उनके साथ नरमी से पेश आएंगे, उनके साथ अदब से बात करेंगे, उनके सामने आवाज़ से भी बात नहीं करेंगे। हमारे वालिदैन के सामने कैसे बात करना है, आहिस्ता, नरम अंदाज में, नरम आवाज में, पस्त आवाज में हमारे वालिदैन के पास बात करना है। और अगर वो कुछ किसी चीज़ का हुक्म कर जाए, अगर वो किसी चीज़ हमसे मंगवाए तो हम फौरन उठकर जाना है,
चाहे वो अगर रात के 12 बजे हो, नींद की हालत में हो, उस वक्त हमें उठाकर हमसे पानी भी मांगे, तब भी हमें बिला झिझक के, बिला शर्माए हम अपने वालिदा को पानी लाकर देना है। एक मर्तबा क्या होता है, बाप एक सहन में बैठा होता है, बेटा भी उनके साथ बैठा होता है, तो बाप की उम्र तो हो गई, बेटा जवान था, तो हाल में एक कौवा आकर बैठता है, तो बाप पूछता है बेटा ये क्या है, तो बेटा बोलता है अब्बा जान ये कौवा है। तो फिर बाप पूछता है बेटा ये क्या है, फिर बेटा बोलता है अब्बा ये कौवा है। फिर बाप खामोश हो जाता है, फिर थोड़ी देर में पूछता है बेटा ये क्या है, तो बेटा बोलता है अब्बा कितनी मर्तबा बोलू ये क्या है, ये कौवा है, आपको दिखाई नहीं देता क्या। बेटा बाप से छिड़क कर बात करता है। तो बाप का दिल अफसोस हो जाता है, तो बाप अपने अंदर अपने कमरे के अंदर जाता है, एक छोटी सी डायरी लाता है, डायरी जानते हैं ना, एक नोटबुक, वो लाकर देता है बेटे के पास। वो खोलते हैं तो उसमें एक लिखा होता है एक पेज में, ऐसा ही मामला जब वो बेटा जवान था ना, वो बेटा बच्चा था और बाप जवान था, तो ऐसे ही दोनों घर के हाल में बैठे होते हैं, तो उसी वक्त एक कौवा आकर सामने बैठता है, ये जवान बच्चा तो छोटा था, तो बेटा अब्बा से पूछता है अब्बा जान ये क्या है, तो बेटे को अब्बा जान बड़े प्यार से बोलते बेटा ये कौवा है। तो ऐसे ही बच्चा उनके अब्बा से 17 मरतबा या 20 मरतबा पूछता रहा, तो बाप हर जवाब पर प्यार से जवाब देते थे कि बेटा ये कौवा है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने बच्चे से जवाब देते थे कि बेटा ये कौवा है। उसके बाद बाप बोलते हैं जब तू बच्चा था तो 17 या 20 मरतबा मेरे पास पूछा, तो मैं प्यार से हंसकर तुझे जवाब दिया, जब आज जबकि तू जवान हो गया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तेरे पास मैं 3 मरतबा पूछने से तू मुझे छिड़कता है। तो जरा सोचो कि हमारे वालिदैन हमें किस रहम से हमें पाला होगा, हमें तकलीफ नहीं देना चाहते थे, अगर हम ही बीमार हो जाते थे उनकी रात की नींद खराब हो जाती थी, बार बार उठ करके देखते थे कि हमारे बच्चे को कुछ जरूरत तो ना हो, हमारे बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो, बार बार उठकर हमारी खातिरदारी करते थे, क्यों, क्योंकि हम उनकी इताअत और फरमा बरदारी करने के लिए, अगर वालिदैन की नाफरमानी हम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे, कभी भी अल्लाह हमें हरगिज माफ नहीं करेंगे, वालिदैन का हक है, तो वालिदैन के साथ हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे वालिदैन के साथ हमें फरमा बरदारी करना है, उनकी हर बात को मानना है, उनका हर हुक्म मानना है, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के पास दुआ करना है। वो दुआ ये है अल्लाहुम्मा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, तो हर हमेशा अपने वालिदैन के लिए अल्लाह के पास दुआएं करते रहना है। आज अगर हम हमारे वालिदैन की इज्जत करेंगे, उनकी इताअत करेंगे, उनकी फरमा बरदारी करेंगे, तो कल हमारे बच्चे हमारी इताअत और फरमा बरदारी करेंगे, अगर आज हमें हमारे वालिदैन की नाफरमानी करेंगे तो कल हमारे बच्चे हमारी नाफरमानी ज़रूर करेंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हर हमेशा हमारे वालिदैन की इताअत और फरमा बरदारी करना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे वालिदैन की इज्जत इताअत फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह सदाम हज़रत, आपने बहुत ही शानदार अंदाज में सुनहरे अल्फाज कही हैं, इसके लिए बहुत बहुत जज़ाकअल्लाह आपका। अब मैं हमारे मोहतरमा हेडमिस्टर साहिबा को बुलाना चाहूंगी। अब मैं हमारे मोहतरमा हेडमिस्टर साहिबा को बुलाना चाहूंगी। जी मैम। सरस्वती मिस स्टडी? नो मैम। Okay. She's not.
Okay, so we have finished. Assalamu alaikum. We have finished with prayer. And Naveed Ahmed, Saddam Hazrat, Laikur Hazrat, everyone has completed their bayan. So now we will go into the chapter. Today I am going to discuss about who is Allah. And if time permits, then I will discuss about Suratul Kaf, the first five verses of the 18th chapter. So what? Who is Allah? Allah is the Arabic word for God. So it has a very deep meaning than in English. It says it is the one and only God in Islam and in Abrahamic religions. So Abrahamic religions, what are they? There are three religions, which is Judaism, Christianity, and Islam. All the three religion, it is Abraham is considered as the prophet, and all these three religions, it begins from the period of Abraham alayhi salam. That God is the only true reality and sole source of all creation. So what does Islam tell? Islam tells that God is the only true reality and he is responsible for all creations. Everything, including its creatures, are just a derivative reality created out of love and mercy by God's command. What did God command? He said, be, and it is. As soon as he said it, the entire universe started to form, and all the creations inside this habitable earth or planets begin to form. And that the purpose of existence is to worship or to know God. So what we all think that we have come into earth to eat, build a house, take care of our children. I mean, we have to get all the wealth and knowledge, but that is not the purpose of our existence. The only purpose of our existence is to worship and to know about God. So God does not have any physical form. In the English language, the word Allah generally refers to God in Islam. Etymologically, the name Allah is probably a contraction of the Arabic Al-Ilah, meaning the God. The name's origin can be traced to the earlier Semitic writings in which the word for God was Il or El or Ella. So this was told in the Hebrew Bible, not the English Bible. It is in the Hebrew language, which the Old Testament, the previous version of Bible, was written. So next thing. In Islam, God, Arabic. Okay, so if you look at the screen, you can check how in Arabic we have written and how it is romanized in as Allah. So that is a contraction of the word Al-Ilah. So it has a literal meaning, the God, and it is the absolute one. And the all-powerful, all-knowing, he is the ruler of the universe and the creator of everything in existence. Islam emphasizes that God is strictly singular. So in many other religion, we say that God has many forms, or there are women, or there is a father, there is a mother, there is a daughter or son. So in Islam, we strictly prohibit that, and we stick on to this policy, which is Tawheed, that is following the singular God. And he is very unique, inherently one. There is only one God, Ahad, and also all merciful and omnipotent. So according to Islam, God is neither a material nor a spiritual being. Why we are bold this is because in other thing we can see God to be represented in a materialistic format, wherein in few other religions they say there is a spirit of God. So according to Islam, God is neither a material nor a spiritual being. According to Islamic teachings, beyond. So we know the final thing which is there above the universe is the throne, that is Al-Arsh. And according to the Quran, no vision can grasp him, but his grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. So what does this mean? This means we cannot see Allah, but Allah can see the entire universe and whatever he has created. If we are trying to understand who is Allah, then definitely it is beyond our knowledge. We will not be able to find out who is Allah. We can only understand his characters, that to which he has mentioned in that book. But to understand him, it is literally not possible for any of the human being. So if you look at this slide,
what here it is told, he is the absolute one, all powerful, there is tawheed, then wahid ahad. So the entire thing is comprised in Suratul Fatiha. So we can say this is a secret of Quran. And the Suratul Fatiha is again summarized in Surah Ikhlas. Then again about the throne, it is again summarized in Ayatul Kursi. Now the next slide, it tells the Quran refers to Allah as the Lord of the worlds. So here it is telling we have Lord of the worlds. That means how many worlds are there, how many earth is there, how many universes are there, we don't know. But he is the Lord of all the entire universes or multiverses. According to Islam, God is neither a material nor a spiritual being. This is a continuation of the previous slide. So according to Islamic teachings, beyond the throne, so above all, above the universe is the throne of Allah, and on the throne, Allah is sitting there and watching us. And according to the Quran, no vision can grasp him, but his grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. So I wanted to share a few pictures here. See, this is a human eye. So if you try to look at things, how much is that you can cover in one vision? Okay, it is only very limited. So human eye, though we know that there are so many things in the world, the maximum we can capture in the human eye is very limited. The same, this is another picture which shows the difference between a camera capture and the human eye's lens capture. That also is limited. The same, this is captured by the device. So when we go to the aerial, from the aerial view, this image. So how much is that device, how much can a device capture? It is also very limited. So just imagine about Allah's vision. He is watching the entire universe. So we don't know how many universes are there, how many earths is there, so many creations are there. At just one look, Allah is watching all of his creations. So these are the few creations which we cannot actually see, but we have heard about it in different books, scientific books and religious books. So if you look at the first picture, this is our galaxy system, which is Milky Way. And if you look at the second picture, this is our solar system, where this is the part of the sun. And this is the planet where we are living and talking right now. So you look how tiny this is. So if you go to the system, we don't know where we are actually. So what we see is only a part of Allah's creation. We don't know whether it is 0.01% or how much it is. But this entire universe, this is just one galaxy actually. So many galaxies form a universe. So that what we see is only a part of Allah's creation. Before this creation and after this creation, what happened is unknown to our knowledge. So what we know is only from the book of Quran. But before that, what had happened, or after that, what is going to happen, we definitely don't know. And what this contains is also a mystery to humans. So as far as human beings are concerned, we know our neighbors, we know there are few wild animals, domestic animals, there are few fishes inside the ocean, we know there are trees, fruits, flowers, only whatever accommodates in our knowledge, only that much we know. But there are so many other things which we still don't know inside the planet Earth. So what is there in the universe, definitely no one knows. Now, creations of Allah, we all know there are wonderful creations. Water is there, fishes, plants, fruits, birds, so many things. He has made universe, he has made angels, jinns, soul, humans. There are so many invisible stuff, food for living beings on earth. There are so many natural protecting elements. So all these together, what we see, what we know and what we learn is only 0.001% of the things around us. That means every day we travel, we go here, we come there, but the things which seeks our attention, or we try to learn about it, what we know about it or what we see about it, is only a fraction of the things which actually Allah has created. So if you look at this picture, the first picture I would like to show you is about the technology. So the technology has advanced so much that many human beings are trying to colonize the other planets. But in the same period of time, there are many humans who are trying to study about themselves. So human beings actually don't know exactly or completely or accurately about their body, how it is made up of.
So we call ourselves the intellectual. Actually, we have to learn more about ourselves. In Islamic context, Al-Ghaib, that means the unseen and the unknown in reference to Allah and forces that shape the world. The Quran states that man, he is unable to see Allah and his attributes. Belief in Al-Ghaib is considered an important Muslim characteristics as it allows for prayer and faith. So we as Muslims, we have to believe in angels, we have to believe in jinns, we have to believe in the hereafter, that is the life after our death, and then we have to believe in the hell and the heaven. So these things are not seen to us, they are not visible to us. So if you, this is what the religion tells and this is what Quran tells, only when we believe in the unseen, it actually increases our faith upon Allah. So now science has also advanced. So what does science tell? The science tells that there is a reality world. What we are actually living is not a real world. It's just an illusion. There is some other world which is beyond this reality. So this study is about the quantum reality, about the space, time and entanglement. So time is actually not there in space. And the invisible reality, if you want to know about it, the wonderful weirdness of the quantum world. So there is something called quantum world, and that reality is actually invisible for the human eyes. So in this world, we will not be able to see anything about it. Now, I just wanted to give you a few examples of the seen and the unseen world. So when we travel across, we can find beautiful creations, natural creations of Allah. So if you look at this, this is a mountain. We see it from the earth, that is from our vision. This is a tree and this is the iceberg over that sea. The unseen world, actually in the same earth where we are living, the tree what we see actually has a very deep root. So this is unseen for our eyes. Same way, the mountain which we look at, it has a very, very depth inside to the core of the earth. The ice which we see, the iceberg, it see, look at how deeply it has gone inside the ocean. So what we see is only this much, and what we don't see is actually larger than what we see. So here we have to believe in the unseen world, like the hell, the heaven, whatever is told by Allah in Holy Quran. Okay, in Islam, there is only one God and there are 99 names of that one God. So in many other religion, what they have misunderstood it, or in olden days before Quran was revealed or before Islam had started, the same prophecies were told. But what people misunderstood is his 99 names, they misunderstood as 99 gods. So that is why again I have highlighted here that there is only one God, but there are different names. Why we have given different names for God is because of his character. So that is Al Asma Al Husna, which means the best names. That means only 99 names are there? No, there are several names, but the best among the names of Allah or the character of Allah, it is in this 99 names, each of which evokes a distinct attribute of God. So what do we mean by attribute? Usually when you want to describe about another human being or your colleague or a friend, how do you describe him? You tell he is very generous person. You tell he is very short tempered. He is height. He doesn't take care of his family or he is very disciplined. So these are the different attributes of a human being. So in this 99 names, what does Allah speak about? He describes about his character. What is his duty? What is his role? And what is his responsibility towards his creations? So that is what we mean by attribute. All these names refer to God, the supreme and all comprehensive. So these names can be understood by human being. Among the 99 names of God, the most familiar and frequent. So familiar, what we have heard again and again and very repeatedly we have heard in Quran,
One is Ar-Rahman and the other is Ar-Rahim. So Ar-Rahman means he is the all merciful, wherein Ar-Rahim means he is specially merciful. So overflowing mercy he is having. So if you look at this attributes of Allah, you can find he is all forgiving. So he loves those who forgive. So even if someone does wrong to us, if we forgive, then definitely Allah will forgive us. Allah is beautiful, so he loves beauty. So just because we follow Islam, it doesn't mean that we shouldn't wear good clothes or we shouldn't look beautiful. No, Allah loves beauty, so we can dress beautifully and we can, because Allah loves beauty. Now, Allah is all-knowing, so he loves people of knowledge. Here, this is a very important point, because what people these days think is knowledge or education is not at all needed to practice religion. Even to practice religion, we should know the values of the religion. We have to gain knowledge. So Allah is all-knowing. He knows everything. And so he loves people who gain knowledge. Allah is generous, so he loves generosity. Allah is shakur, grateful, so he loves the grateful. Allah is strong, so he loves the strong in faith. And Allah is as-sabur, patient, so he loves patience. Now coming back here, creation and ordering of the universe is seen as an act of prime mercy. So he is definitely taking care of us, providing food for the entire creations. But what is the first prime mercy? It is the creation and ordering of the universe. So if you study about universe, the cosmology, and it has a very unique way of ordering the planets, how the sun is placed, how the moon is placed, how the earth has an atmosphere. So this creating and the ordering part of the universe itself is a prime mercy from Allah, which we have received, for which all creatures praise God's attributes and bear witness to God's unity. So if you look at these creations, then definitely you will praise God's attributes and definitely you will say there is only one God. So the next is the 99 names that reflect his attributes. So what does that reveal? The name reveal, the name tells about the character of Allah. Allah teaches people directly through his word. So how did the previous nation get knowledge through the prophet? It is directly Allah teaching through Jibreel alayhi salam. He will come and tell the prophet, and the prophet will teach his nation, the people in the nation. The prophet Muhammad teaches people how to live a good life, guided by Allah. God communicates with humankind as individuals. Allah reveals himself to humankind through messages given to them through his prophets. Now, this is from Surah Taha. I have taken one verse, that is verse number 14. There is no deity, that means there is no God except me. So worship me and establish prayer for my remembrance. Indeed, the hour is coming, I almost conceal it, so that every soul may be recompensed according to that for which it strives. So Allah is openly declaring that there is no other God except me, and he is insisting us to worship him and also establish prayer. And he is also talking about the day of judgment, where he says, I have almost concealed it. You will not be able to identify, but definitely there are few signs of the day of judgment, which is approaching. So every soul, what it has to do, it has to devote more time in the worship of Allah. The next is, Allah has 99 names, that is 100 minus 1. And whoever believes in their meanings and acts accordingly will enter paradise. And Allah is Witr, that is one, and loves the Witr, that is the odd numbers. The idea of memorization is knowing Allah. Why do we have to memorize those 99 names? Is because we have to know Allah. Who is Allah? Our creator, better. Because the more you know about him, the more you will love him. And the more you will love him, the more you will try to please and worship him. So usually what happens when we are very much involved in our work, we actually miss out our prayers, or we don't take time to recite the Holy Quran. So what Allah is telling, by memorizing these 99 names, we will know better about Allah and we will know what his attributes are. So thereby knowing, we will definitely love him and we will devote more time in worshiping him. We will not procrastinate
in doing our worship. Allah is perfect in his essence, his names, his attributes, and his actions, with no peer, equal, or rival, as mentioned in Surah Ikhlas. So, Kulwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. In that, this is what is mentioned. The entire thing is summarized here. Now, Ibn al-Qayyim, why does he insist upon memorizing these names? Is the first level is to memorize their words. Second level, to understand their meanings and implications. So just memorizing without understanding doesn't give us proper meaning. First, we have to memorize, and then we need to understand their meanings and implications. What is the role of every single meaning or every single name that is mentioned by this 99 names? The third level is to make dua, that is supplicate to Allah with them. So when you are sitting, when you make dua, you may use these 99 names according to the need of the heart. This encompasses both supplication of worship and supplication of request. So this actually, by memorizing, understanding, whenever you need, according to the roles or responsibilities of Allah, you can call upon Allah. Now here I have shared that slide which displays the 99 names. So you can check it when I share it in WhatsApp. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. So here they have given the meaning and what is the role for every single meaning. Fine, this is the last slide of that 99 names. So as a part of Friday, we have finished our Jummah prayers. We have taken the bath. We have done everything. I hope everyone would have recited Suratul Kaf also. Last week, we discussed that the first 10, memorizing the first 10 verses is definitely going to protect us when Dajjal comes. And by reciting the entire 110 verses of Suratul Kaf is going to protect us from the Dajjali fitna, which is happening now everywhere for Muslims. So today, just few points about the Suratul Kaf. So last week we saw that Suratul Kaf means the cave. So usually how a cave has very hollow places inside which cannot be seen from outside. Same way this surah also has multiple meaning inside the verses. So this is the Suratul Kaf. Only the 5 verses I have taken here. So what does it mean? I'm just telling the meaning, not reading the Arabic version. All praises for Allah, who has revealed the book to his servant, allowing no crookedness in it. So what does it mean? That means the book doesn't, it has not been manipulated by any human beings, or it is not a fabricated story. So that is why Allah is telling there is no crookedness in it, which means it is a very clear book, the clear Quran, making it perfectly upright to warn the disbelievers of a severe torment from him, to give good news to the believers who do good, that they will have a fine reward. So what does this book tells? One, it is a warning which is given to the disbelievers, and it tells that there will be a severe punishment from God if he is not going to believe and follow his instructions. It also gives a good news to the believers. What is the good news? If we obey Allah and if we follow the guidelines, then we have a reward for it, in which they will remain forever. So where are we going to remain forever? It is in paradise. So when we are going to obey Allah and recite his Quran and do whatever is being instructed, then definitely we are going to remain forever in paradise. And to warn those who claim Allah has offspring. So here Allah is giving a very severe warning to whom? To those who have said that Allah has offspring. So there are many other religions which tell Allah has one son. They have no knowledge of this. They don't know anything about this. Without knowing itself, they are telling that Allah has offspring, nor did their forefathers.
Now, what a terrible claim that comes out of their mouths. So Allah himself is telling that this kind of claim, which they are telling that Allah is having an offspring, it's a very terrible claim, which is coming from their mouths. They say nothing but lies. So Allah is very clearly telling that it is only a lie. Now, the companions of the kid, earlier we said it is about the seven sleepers, because seven, the number seven is not told by Allah in Quran. He only refers to the companions of the cave, because we didn't know it is seven or eight or nine. So here we are mentioning the companions of the cave and how they spent 309 years in the cave. So last week we saw about this astonishing factor about 309 number, which is told in Quran. So regarding that one explanation we are trying to learn today. Do you consider that the companions of the cave and Ar-Rahim were one of the most remarkable of our signs? So this is in ninth verse of Suratul Kahf. The abjad values of Ashabi Al-Kahfi, meaning the companions of cave, is 238. The number of syllables in the surah up to the term, till this term, it is also 238. The variety of letters used in the verses to the term, that is the companions of the cave, is seven. The number of letters, that is a variety of letters, this is a number of words, that to the end it is also seven. Our Lord's name Allah is repeated seven times in the story of companions of the cave in the surah. Ashaba al-Kahfi, that is the companions of the cave, is in the seventh clause on the page. So we know Suratul Kahf definitely has four stories. One about the companions of the cave. The next is about the man with the two gardens. The third is the encounter between Musa alayhi salam and Khizr alayhi salam. And finally, it is between the barrier which has been built by Zulkarnain and Yajuj and Majuj. So in that surah, about this companions of the cave, it exactly comes in the seventh clause. This verse is the seventh from the top of the page. So they stayed in their cave for 300 years and added nine. So this is how it is mentioned in verse number 25 of Suratul Kahf. So here I have shared that Arabic version so that you can read it. So what they are telling, they stayed in their cave 300. So that 300 is a solar calculation and add 9 for lunar years. So until this surah, until this ayat was revealed, no one was aware of that solar years and the lunar years. In revealing how long the companions spent in the cave, the Quran says they stayed in their cave for 300 years and added 9. In interpreting this verse, commentators say that the companions of the cave slept for 300 solar years or 309 years by the lunar calendar. The number of syllables up to the sinina was meaning number of years is exactly 309. There are 309 undotted letters in the surah up to this term. So what does this ayat, that is 11 and 12, it talks about? Then we woke them up again so that we might see which of the two groups would better calculate the time they had stayed there. So there were two groups in that companions of the cave. One group first gets up and they discuss with the other group, how long have we been sleeping inside the cave. This verse reveals that the reason the companions of the cave were woken was to establish which of the two groups would most accurately calculate how long they had been asleep. The number of syllables before this verse is exactly 309. So those two groups, actually they had slept for 309 years, but they were trying to calculate how many years they had slept there. They stayed in their cave for 300 years and added 9. The way that the Quran does not directly state that the companions of the cave spent 309 years in the cave, but also adds an additional 9 years, is exceedingly wise. So if Allah wanted, he could have told together as 309 years, but he didn't tell it so because he wanted us to find out the wisdom behind this verse that we have solar years and lunar years. This mode of expression thus draws attention to the difference between the solar and lunar years.
So now how do we calculate the solar year and lunar year? The solar year refers to Earth's revolution around the sun, and 365.24 complete revolutions of the Earth constitute a solar year. A lunar year consists of 354.36 days, the time in which the moon orbits the Earth 12 times. So if you look at this picture, this is the revolution of the Earth around the sun, wherein this is the moon, the time, this is a lunar period which the moon takes. So because of this calculation, definitely the calendar which we follow has a major difference. And in this case, the case of companions of the cave, there was a difference of around 9 years. There is thus a difference of 10.87 days between the solar and lunar years. So which is 100 solar years is equivalent to 103 lunar years. In order to determine the equivalent of 300 solar years in terms of lunar years, we need to add on 9 more years just as in the verse. So only if you add 9, it will become in terms of lunar years. The total of all the numbers in this surah up to this verse is 300. 300 by the Gregorian calendar, it equates to 309 years by the Islamic calendar. There are 309 pages from this page, and the last two refer to the companions of the cave and their sleep and the end of the Quran. So that was the situation when we woke them up, so they could question one another. One of them asked, "How long have you been here?" They replied, "We have been here for a day or part of a day." They said, "Your Lord knows best how long you have been here. Send one of your number into the city with this silver you have, so he can see which food is purest and bring you some of it to eat. But he should go about with caution so that no one is aware of you." So when that group, the companions of the cave, when they woke up, so here we have many wisdom which is needed for the end times. It tells when they woke up, they have a confusion how long they have been there. So that means when we are living in a city which is filled with fear and confusion, we are actually put to sleep. We don't know what is happening around us. They replied, "We have been here for a day or part of a day." Actually, Allah tells it is 309 years, but 309 years where for the human being, it only was like a day or part of a day. So that means in the end times, the time will go very fast. They said, "Your Lord knows best how long you have been here. Send one of your number into the city with this silver you have." So where they were hiding inside a cave. Now they are telling them to go into the city with the silver. So during the end times, this actually teaches us that during the end times, paper currency is going to end. So we might have to save with many silver or gold. That is a natural elements which is given by God. So he can see which food is purest. So this is a very important point, because nowadays we don't find food in the purest form. Everything is adulterated, mixed up. So during the end times, we have to understand that we have to check which food is purest and which we can eat from it. So this is the third or fourth wisdom which we are getting from this one surah. But he should go about with caution so that no one is aware of you. So that means end times we will be having many problems in following our religion only because of being the believers of God. So this is the many wisdom which we are getting from one single verse. Inshallah, next week I will, in description, I will tell you more about every single verse till the 10 verse. So here I would like to share you one topic about cryonics. This is a very advanced technology which was introduced in the late, before in 2000s itself. What is cryonics? It means cold, which is a low temperature freezing. So how usually when we get meat or fish, what do? We keep it in the refrigerator, that is in the freezer part, so that it doesn't get spoiled. Same way, this cryonics technology, what they do is, after a man dies, how does he die? He dies because there is no treatment for a particular disease. So that kind of human being's dead body, it is preserved, it is stored
with the speculative hope that resurrection may be possible in the future. So after few years, when they find out some kind of medicine for that particular disease, then definitely they can resurrect, they can give life back to this dead body and they can bring them alive. So this technique, this technology is called as cryonics. Has anyone ever been revived? Except for the embryos, no human has ever been revived from temperatures. Except for embryos, no human has been ever revived from temperatures far below freezing. Cryonics patients are cared for in the expectation that future technology, especially molecular nanotechnology, will be available to reverse damage associated with cryonics processes. So say, for example, if a person is dying because of cancer or because of pneumonia or because of AIDS, at present, if there is no cure for that particular person, then definitely we can preserve that dead body. Once there is a medicine released for that particular disease, then we can give that tissue or the cell to that human body and we can bring him alive after thousands of years, actually. That's possible scientifically. Okay. So has anyone done this technology? Yes, if you look at this picture, you can find it is a frozen, this is the brain, now it is freezed. So this is a frozen brain of James Bedford. So this is that person. Bedford is injected with dimethyl sulfoxide following his death on the afternoon of 12 January 1967. Bedford's body was frozen a few hours after his death due to natural causes related to cancer. So he died because of cancer, because they didn't have medicine during 1967. Bedford's body was maintained in liquid nitrogen by his family in Southern California until 1982, when it was then moved to Alker Life Extension Foundation. Then warming them up to receive the cure for their incurable disease will almost inevitably kill them, if they haven't already been accidentally decapitated on and has remained in air-conditioned room. So James Hiram Bedford, he is the first person to be cryogenically preserved. Still, we have preserved his body. So many predictions have told in this year, 2021, there will be a medicine which is which can cure cancer. So once we get the medicine, he might probably be given life using technology. So this actually reminds us of one verse from the Quran. So in Quran, Allah actually tells that he has preserved the dead body of a person as a sign for the coming generation. So who is Fir'aun? What does it state? We will actually read it in the next webinars. And what is this Quran? In chapter number 10, verse number 92, it tells, so today we will save you in body, that you may be to those who succeed you a sign. And indeed, many among the people of our signs are heedless. So even after seeing his body, many people are not believing in the revelations of the Holy Quran. Now, these are few slides which I wanted to tell you how 2030 is going to be. The world in 2030 is going to be different from the world which we see actually now, because technology will be growing very faster. We know the time will be moving very faster. The latest news is told that 1 minute contains only 59 seconds. So till last year, we knew that 1 minute contained 60 seconds, but this year onwards, it's only 59 seconds. So more and more years when we go on, the number of seconds is going to get reduced. That means the time will be moving very faster. So when you see this picture, there is going to be flying city. So usually we have heard about aeroplane, flying taxis or the train, but this entire city is going to be in a mode of flying. So this is a flying city, which has been a vision in the year 2030. So things will not be the same, which as like it is now. So if you look at India, the future city, it has many visions, and the world's largest mega cities are going to come in India as per the government, what it says now. And if you look at the vision of Saudi Arabia, then they have many visions
about the corruption, unemployment, Aramco, that is oil providing company, power and water subsidies, then green card. Usually we have in America the green card, but now Saudi will also give a green card. And then we have the Salman, King Salman Bridge, which will actually link Europe and Asia, and it will provide vast investment and development opportunities. And there are many things which we can't even imagine which is going to happen in the coming years. So we actually come across many kind of information in Facebook, WhatsApp, YouTube, Google, many other comics, books, gossips everywhere. But whatever we hear, whatever we see, we have to actually ask Allah that the knowledge which we seek, it should be beneficial, and the deeds which we do should be beneficial for others. So that's the end of it. जज़ाकअल्लाह मैम, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके नायाब इल्म और हिकमत को हम सबसे शेयर किया है। ये सब अल्लाह ही का देन है और हमारी ही खुशकिस्मती है कि ये इस तकरीर को सुनने का हमें मौका अता फरमाया है। अब मैं हजरत सदाम हजरत से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दुआ करें। जी सदाम हजरत, आप दुआ कर सकते हैं। I think Saddam Hazrat is not there in life. Oh. Like Saddam, namaz, namaz nikal gaye. Samaz. Ah. Hazrat, aap bhi kar rahe hain. Ji, theek hai. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اسالك موجبات رحمتك والله مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا شفيت ولا حاجه هي لك رزق الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकअल्लाह बच्चों, असातिज़ा इकराम, मेरे प्यारे तुलबात और पेरेंट्स जो देख रहे हैं ये इस वीडियो को, आप सबका बहुत बहुत ही शुक्रिया है जो इस पुर रौनक महफिल में शामिल होकर और भी चार चांद लगा दिए। जज़ाकअल्लाह सबके लिए। जज़ाकअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। एंडिंग द मीटिंग। ओके।